फ्रेंड कथी के कहल जाला। हे भगवान, इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि फ्रेंड किस क्या होता है। फ्रेंड किस होता है? दोस्त, सहेली। दोस्त सहेली कही ना, तो फ्रेंड फ्रेंड का रट लगा रखनी है। फ्रेंड के फ्रेंड कहल जाला तो फ्रेंड ना काम का हाथी हाथी लगता का। ठीक बा, जाई जाई। हम तो जाती जानिया, सुनो हई ना, मेकअप बहुत सुंदर से मेकअप कर लिया। ठीक बा। अपने लोग के बारी, हम लोग गायत्री के फ्रेंड है। फ्रेंड दोस्त है नू? हाँ हाँ हाँ। बैठी बैठी, चेयर चेयर दीजिए। तेरे तीन चेयर दीजिए जल्दी। एक और दीजिए। वैसे गायत्री कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही है। माँ जी, वो तो खरीदारी करे बाजारे न गई। हाँ अच्छा, बैठी बैठी चाय नाश्ता लेके आवत आनी। लाइन दीजिए, ये वाला माइक में लाइन नहीं है। ये वाला माइक में सब में लाइन है। नीचे से ऑन कर, नीचे स्विच ऑन करो। कप नहीं है, यही नीचे, यही वाला दीजिए। लीजा लीजा लीजा। लो बाबू। छी, ऐसा चाय तो मेरे घर का नौकर भी नहीं बनाता, कितना घटिया चाय है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमार नाम तो जुगनी है। जुगनी, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? ना ना, हम पढ़े लिखल बानी। वैसे तुम कितनी तक पढ़ी हो? हम तो सातवां पास है। सातवां? ऐसे ना बोल रही है जैसे लग रहा कि दसवें पास है। ना, कौन छोट मोट बात हो गई ला, हम तो सातवां पास है। सातवां? जरा अपना फेस तो दिखाना। फेस? ये फेस कथी के कहल जाला? हे भगवान, गायत्री ने कैसी बहु खोज दिया जिसको फेस का मतलब नहीं मालूम। फेस का मतलब होता है चेहरा। चेहरा तो है नहीं, देखी चेहरा। तुमको मेकअप करने नहीं आता? ना ना, हमरा आवता। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं। गायत्री आई है तो बोल दीजिएगा कि उनकी फ्रेंड आई थी। ठीक बात, जाए जाए। माइक में सटा के बोलिएगा जोर से। बहू, अरे ओ बहू। हाँ माँ जी, बोली का कहतानी। हमार कुछ फ्रेंड लोग आयल बानी रका। हाँ माँ जी, और फ्रेंड लोग आयल रहलिन रा, आ कहत रहलिन रा कि तू कितना सुंदर बारू। हे भगवान, इस लड़की को तो अभी फ्रेंड बोले नहीं आता, इसकी क्या तारीफ करेगी। बोलो तो बहू, फ्रेंड? फ्रेंड? हे भगवान, इसे तो समझाना ही व्यर्थ है। अच्छा देखे तो कैसी लग रही है। कैसी लग रही है? तुम्हें तो पता नहीं क्या सोची होगी मेरी फ्रेंड लोग तुम्हें देखकर। अच्छा तो भाइयों और बहनों लोग, यहीं तक हमारी कहानी समाप्त हुई। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। हाँ भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा कि हम अनपढ़ है, इसीलिए तो मुझे ये सब अत्याचार सहना पड़ रहा है। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो ऐसा नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे ऐसे ही हों? बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाई लिखाइए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। वाओ।